हेलो गाइज, वेलकम बैक। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइज, आज हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं मॉन्स्टर वेगस के अंदर। खैर, मैंने शायद गलत बोल दिया, मॉन्स्टर वेगस नहीं मतलब गैंगस्टर वेगस के अंदर। खैर, इस गेम को ना काफ़ी सारे लोग खेलते तो है, बट ना इस गेम के अंदर कुछ शुरुआत में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि बंदे लोग ना इसको इंस्टॉल तो करते हैं 2.5 GB का लेकर के, बट ये इंस्टॉल होने के बाद भाई ऐसी चोट करते हैं कि हमारा 2.5 GB डेटा भी खराब जाता है। खैर, वो अलग बात है, अगर तुम्हारे पास जियो 5G है तो भाई 2.5 GB क्या भाई, तुम पूरा मतलब कितना भी यूज़ करो, बट छोड़ते हो उस चीज़ को। बट अभी देखो, तुम लोगों ने एक चीज़ प्रॉब्लम शो करती होगी, जब हम लोग इस गेम को खेलते हैं ना उस टाइम पे ना कंट्रोल्स वगैरह ना शो नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग गेम खेल नहीं पाते हैं। जिस हिसाब से देखो, अभी मेरा ये कंट्रोल जॉयस्टिक सब कुछ शो कर रहा है, उस सबसे और किसी का शो नहीं करता। काफ़ी सारे फोन्स में होती है, जब मैंने इसको यूट्यूब पर सर्च किया, हर जगह सर्च किया, तो मुझे पता चला कि भाई मैं भी एक बार उनकी बातों में आ गया था एंड मैंने सोचा कि ना यार, इस गेम को बकवास है तो गेम को डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये जो गेम हो वो लोग बोलते हैं कि भाई इसके लिए गेम कंट्रोलर चाहिए, एंड गेम कंट्रोलर आप जानते हो कि भाई 1000 से 1500 के बीच में वो आता है, जो कि भाई हमारे पास मोबाइल लेकर वालों ने मोबाइल दिला दिया वही बड़ी बात है, तो भाई वो गेम कंट्रोलर कहां से दिलाएंगे, और ऊपर से 2-3 गालियां और सुनने को मिलेगी जैसे मेरे को मिलती है। छोड़ते उन सब बातों को एक साइड के अंदर, एंड देखो तुमको करना क्या, अभी तुम लोग को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद तुमको कंट्रोल्स के अंदर आ जाना है। देखो कंट्रोल्स के अंदर ना, अभी देखो मेरे को दो ही चीज शो कर रही है, मतलब ये वाली स्टेप्स वगैरह की, इन सब चीजों की, इनके अलावा मेरे को कोई तीसरी चीज शो नहीं कर रही है, मतलब ये मतलब सेंसिटिविटी कंट्रोल पूरा मोबाइल जैसा। और ये जो कंट्रोल्स है ना, यहां पे अगर आपके नीचे की साइड, मैं आपको बता देता हूं जहां पे अभी मेरा शो नहीं कर रहा, बट मेरे को पता है क्योंकि जब मैंने गेम इंस्टॉल किया तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। एक गेम पैड बोले तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि कैसी फोटो, अगर आप लोग नहीं जानते हो गेम कंट्रोलर गेम पैड जो कुछ भी बोलते हो यार इसको, मैं तो भाई इसको ना वीडियो गेम खेलने वाला एक खिलौना बोलता हूँ, सही बता रहा हूँ। बट मैंने जब इसकी रेट देखी गूगल पे सर्च करके कि ये कितने का आता, तो भाई मेरे पैरों की तरह से जमीन खिसक गई थी। अगर अच्छा लेना चाहोगे तो कम से कम 1500 से 1000 रुपये पड़ेगा, और ऐसा सस्ता वस्ता लोगे कि भाई 2-4 दिन काम चले फिर उसके बाद बटन भी काम ना करे, तो भाई वो तो फिर तुम जानते ही हो। खैर, वो जिम्मेदारी आपकी है कि आपको उससे खेलना है कि इससे खेलना है। बट देखो तुमको मैं एक सिंपल सी चीज़ ट्राई कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, बल्कि आप लोगों को कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ कि भाई कन्फर्मली ये चीज़ काम करेगी, क्योंकि मेरे साथ तो काम किया है, तभी तो मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि नीचे की साइड कंट्रोल बटन आता है, ऊपर से सेट कंट्रोल बटन होता है, फिर वो गेम पैड वाला आता है, बिकॉज मेरे को पता है, मैंने वो चीज़ फेस की है। तो देखो मैंने इसके अंदर क्या कुछ किया, मैंने सबसे पहले तो वो जो बटन वाला सेक्शन है वो आपको सेट कर लेना, ठीक है, जो इस गेम के अंदर बटन वाला सेट है। उसके बाद आपको गेम को कुछ नहीं करना, अनइंस्टॉल वगैरह कुछ नहीं करना, एक बार तुम लोग मेरी सेटिंग्स देख लो। ये देखो इधर ये जो सबटाइटल्स वगैरह जो कुछ भी है ना, मैं सबटाइटल्स को हटा देता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं, जब वो बात करते हैं ना तभी आता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। तो अभी देखो ये चीज़ ना, ये सब कुछ आपको सेट कर लेना, बाकी आपको कहीं भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। कहीं पता चले कि भाई हम लोग छेड़छाड़ करते ग्राफिक सेटिंग्स वगैरह, वो सब कुछ तो आप अपने हिसाब से कर ही लेना। साथ ही मैंने काफ़ी लोग ऐसे बावले बनाते हैं कि भाई 40 स्टेप्स ये वाला गोला नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ सिंपल सी बात बताता हूँ, जब तुम लोग वो बटन्स वाला सेट कर लो ना, उसके लिए फिर गेम को आराम से रेस्ट करना, गेम को 2-3 बार आप ओपन ऑफ करना, मतलब चलाना फिर काट देना, चलाना फिर काट देना, ठीक है। और फिर उसके बाद गेम को बस शांति से रख देना, गेम को छेड़ना मत, कोई दूसरा गेम इंस्टॉल कर लेना एक दिन के लिए, वो दूसरा खेल लेना। बट आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, खैर यार पढ़ा रहने दो ना, मोबाइल के अंदर क्या दिक्कत पड़ रहा है, बट मैं चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई पता चले कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक ना हो तो आके मेरे को 2-4 गाली दो। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ अगर आपके मोबाइल में अगर 24 से 48 घंटे के अंदर चल जाती, जैसे कि मेरे मोबाइल में तो चल गई, क्योंकि हो सकता है कोई सर्वर वगैरह प्रॉब्लम हो या फिर कुछ दिक्कत हो जाता है ना कि भाई थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करता है, वैसे ही कुछ है, या फिर डिटेक्टिव डिवाइस वाला कुछ दिक्कत हो ना, तो वही दिक्कत हो जाता है। और ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम जो होती है ना, वो होती है हाई डिवाइस, मतलब हाई डिवाइसेस के अंदर, क्योंकि इनको लगता है कि भाई गेम इंस्टॉल तो कर लिया बंदे ने तो भाई कोई अच्छा डिवाइस होगा, हो सकता है कोई सर्वर वगैरह का बग वगैरह हो, तो उसके कारण दिखता हो। और अगर आपके पास गेमिंग कंट्रोलर है तो फिर तो भाई बात ही क्या कहना, लगाओ और खेलो। तो देखो तुम लोगों को 24 से 48 घंटा तो वेट करना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि मैंने किया, क्योंकि मैं अनइंस्टॉल करने वाला था, बट सही बताऊं तो गलती से मेरा ये गेम रह गया, अनइंस्टॉल नहीं हो पाया। मैं लाइव स्ट्रीम्स करता हूं अपने बुलिया ई-स्पोर्ट वाले चैनल पे, तो उसी हिसाब से ना मैं उस पर लाइव स्ट्रीम करने लग गया था उस टाइम पे, एंड रात को लाइव स्ट्रीम करते तो भाई पता ही है कि माइंड सेट निकल चुका था। तो देखो आप लोग ट्राई कर लेना, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में खेलना चाहते हो तो आप लोग विलेज स्पोर्ट वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट हाँ जाते जाते लाइक कर देना, मुझे नहीं पता वीडियो अच्छी लगी बेकार लगी कैसी भी लगी, मैंने तुम लोगों के लिए बनाई ना वीडियो, तो चलो अभी इसी बात पर लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।